major train tragedy occurred in Buxar district of Bihar at the Raghunathpur railway station, which killed four and left over 90 people injured. The Northeast Express moving towards Assam from Delhi's Anand Vihar derailed near Buxar last night. Due to this, as many as 40 trains have been impacted now. Over 21 trains have been diverted, while the rest have been either cancelled or rescheduled. The train mishap has disrupted the daily commute for people in Patna. In fact, the traffic from Patna Junction has come to a grinding halt, leaving several passengers stranded. Passengers were seen sleeping on the platform, while several others flocked to the Patna station in large numbers, building a huge queue at the inquiry counter. The rescue operations concluded this morning and efforts to restore the railway services are underway. Bihar Chief Minister Nitish Kumar has announced a compensation of Rs 4 lakh to the kin of the deceased. Meanwhile, Railway Board officials have reached Patna to investigate the cause of the incident. Many officers are also arriving from Kolkata. Now, this train derailment accident comes just 4 months after a deadly crash involving three trains in Odisha's Balasore killed 296 people. यहाँ पे अभी स्थिति दिखा रहा है कि अभी ट्रेन है और बुकिंग भी हो सकता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए यहाँ पे अभी दिख रहा है। आप इंक्वायरी में पूछे तो क्या बताएं? रद्द। कौन सी ट्रेन पकड़नी थी? पूरी स्पेशल। हाँ, पूरी स्पेशल। अच्छा, क्या स्थिति है ट्रेन की? कैंसिल हो गया फिलहाल, तो ये इन्फॉर्मेशन मिली है। स्थिति ये है कि हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फेस करना पड़ रहा है। कम से कम हमें तो पता होना चाहिए, जब आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि रद्द है, तो इससे क्या होगा बताइए? जो आया है, दूर से आया, वो क्या करेगा? चार का डेथ हो गया, एक का रिश्ता यहाँ का है, बिहार वालों से देखकर बाहर का, और हम सब लोगों को मदद करने वाले हैं, आप जान लीजिए। हम सबको, उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे, और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपए देने वाले हैं। अब बहुत दुखद है, उसके लिए जितना भी काम हुआ, हालांकि तो उनका घापन है, रेल का मामला है, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला है, रात में सारे अधिकारी जगह रहे, हमको भी सूचना दे दिया था और एक एक तरह से देख लिया है। बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिन लोगों की मौत हुई है, हमारी संवेदना उनके साथ, उनके परिवार के साथ। और ये रेल हादसा में सब लोग सजग हैं, रेल मंत्री जी भी पूरे संज्ञान में लिए हुए हैं, लोग तत्काल में राहत कार्य चल रहा है, मृतक परिवार को मुआवजा का भी प्रक्रिया कर रहे हैं, और इसकी जांच की भी प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि हादसा का कारण क्या है रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगी। आगे इस तरह की घटना घटित न हो, इसकी समीक्षा आवश्यक है। साकेत, माय कोलीग जॉइंस मी ओवर द फोन लाइन। साकेत, आप क्या बता सकते हैं, लेटेस्ट क्या है सिचुएशन के तौर पे, ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं? देखिए, जो इवैक्यूएशन का जो काम था वो तो रात में ही कंप्लीट कर लिया गया, लेकिन उसके बाद जो ट्रैक पर जो बोगियां जो पड़ी हुई है, जो एक्सीडेंट के दौरान डिरेल्ड हुई है बोगियां, उनको हटाने का काम बहुत तेजी से वहां पर किया जा रहा है। कई क्रेन्स लगाए गए हैं जिससे बोगी को हटाया जा रहा है, और पूरा सबसे पहली प्रायोरिटी जो रेलवे की है वो है कि रूट को किसी तरह से क्लियर किया जाए, ताकि जो परिचालन है फिर से उस पर बहाल हो सके, क्योंकि मेन लाइन है ये, पटना या यू कहे कि नॉर्थ ईस्ट से सीधे दिल्ली को जोड़ने वाली ये रूट है, और इस रूट पर अगर परिचालन बाधित होता है तो कई ट्रेनें इसको लेकर प्रभावित है। लगभग 90 ट्रेनों की सूची जो है रेलवे ने जारी की है, जो कि इस एक्सीडेंट के चलते प्रभावित है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि उसे बहाल किया जाए, और जहां तक घायलों का सवाल है तो लगभग 80 से 90 लोग ऐसे हैं जो घायल है, जिसमें बहुत से ऐसे भी हैं जिनको हल्की फुल्की चोटें आई है, और कई लोग हैं जो कि थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन सभी जो है वो खतरे से बाहर है, उनका इलाज जो है वो चल रहा है। लेकिन उसके अलावा जो मौत हुई है, 4 लोगों की मौत इस पूरे मामले में हुई है, उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से भी 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। जो घायल है उसे 50,000 रुपए मुआवजा देने की बात राज्य सरकार ने कही है। इसके अलावा रेलवे के तरफ से भी इन लोगों को सहायता दी जा रही है, लगभग 10-10 लाख रुपए इन लोगों को मिल रहा है। तो
तो पूरी जो कोशिश है वो रेलवे प्रशासन के तरफ से हो रही है ताकि जो प्रभावित हुए हैं उनको उन तक सहायता पहुंचाई जाए और जल्द से जल्द फिर से इस रूट को बहाल किया जाए। ये प्रायोरिटी है रेलवे का और उस पर काम जो है रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। जी साकेत, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग अस द लेटेस्ट एज फार एज इज कंसर्न। वी विल कीप कमिंग बैक टू यू एज यू कीप अ क्लोज आई ऑन दैट डेवलपमेंट, बट फॉर द मोमेंट वी आर शिफ्टिंग आवर फोकस। इन फैक्ट इन अ